इस अनोखी कहानी की शुरुआत तब हुई जब वीरान अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप गुजर रही थी। उसके कैप्टन का ध्यान बहुत दूर खड़ी एक शिप पर गया जो ना ही आगे बढ़ रही थी और ना ही उनके सिग्नल्स का जवाब दे रही थी। करीब जाने पर मालूम पड़ा कि ये शिप वीरान समंदर में अकेली सिर्फ लहरों के सहारे खड़ी थी। हैरत की बात तो ये थी कि शिप के अंदर क्रू का साजो सामान, खाना पीना और सारा कार्गो बिल्कुल सही सलामत मौजूद था, लेकिन अगर नहीं था तो क्रू मौजूद नहीं था जो बिना किसी निशानात के यहाँ से गायब हो चुका था। ये है मैरी सेलेस्ट की वो दास्तान जिसने पिछले 150 सालों से हिस्टोरियंस को परेशान कर रखा है, वो राज जिसे समंदर के अलावा कोई नहीं जानता। जेम टीवी की वीडियोज में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस शिप को 1861 में कनाडा में तैयार किया गया और उस वक्त उसका नाम अमेज़न रखा गया था। अपने शुरुआत के कई सफरों में ये छोटे मोटे हादसों का शिकार हुई थी, यही वजह है कि ये शिप हादसात के बारे में काफी मशहूर थी, लेकिन अभी तक इसने कोई बड़ा हादसा फेस नहीं किया था। अपनी ओनरशिप बदलते बदलते जब ये कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के पास आई तब इसका नाम मैरी सेलेस्ट रखा गया था। ये न्यूयॉर्क में 7 नवंबर 1872 का एक खुशगवार दिन था। मैरी सेलेस्ट नामी ये शिप साहिल पर खड़ी थी और इस पर सामान लोड किया जा रहा था। मैरी सेलेस्ट में इथेनॉल के 1700 बैरल्स लोड किए गए जो कि पीने वाला नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल यूज का एल्कोहल होता है। इसको ये सारे बैरल्स न्यूयॉर्क से इटली के शहर जेनोआ तक बजरिया अटलांटिक ओशन लेके जाने थे। इस शिप में टोटल 10 लोग सवार थे जिसमें शिप के कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स, उनकी बीवी और उनकी 2 साला बच्ची समेत 7 क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। सफर शुरू करने से पहले शिप में किसी किस्म का कोई मसला नहीं था और वो आसानी से बिना किसी रुकावट के सफर पर रवाना हो गई। ये सफर करीब 7500 किलोमीटर लंबा था और नॉर्मली उस दौर में इतना बड़ा सफर करने में कई दिन नहीं बल्कि कई हफ्ते लग जाते थे। याद रहे कि तब जीपीएस या एडवांस्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी नहीं होती थी जिससे कैप्टन के साथ राब्ता बनाया जा सके। मैरी सेलेस्ट को न्यूयॉर्क से निकले 3 हफ्ते गुजर चुके थे और मामूल के मुताबिक कई हफ्तों के बाद अब उसकी जेनोआ के पोर्ट पर आमद का इंतजार बढ़ता जा रहा था, लेकिन इतने वक्त के बाद भी मैरी सेलेस्ट का कोई अता पता नहीं था। यहाँ तक कि मैरी सेलेस्ट के बाद न्यूयॉर्क से निकली दूसरी शिप्स अब जेनोआ तक पहुँचना शुरू हो गई। अब परेशानी बढ़ती जा रही थी कि आखिर मैरी सेलेस्ट इतने हफ्ते गुजर जाने के बाद भी मंजिल पर क्यों नहीं पहुंच पाई। मैरी सेलेस्ट के रवाना होने के 10 दिन बाद एक और ब्रिटिश शिप को भी न्यूयॉर्क से निकलकर इसी रूट से होते हुए जिब्राल्टर तक जाना था। ये डिग्राटिया नामी एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप थी जो कई हफ्तों के बाद 4 दिसंबर 1872 को एजोर्स आइलैंड के करीब पहुंची थी। ये समंदर का वो हिस्सा है जहाँ नीले आसमान और समंदर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। वहाँ शिप के कैप्टन को बहुत दूर समंदर में एक शिप खड़ी दिखाई दी। कैप्टन ने नोटिस किया कि वो शिप पानी पर आगे नहीं बढ़ रही बल्कि सिर्फ एक ही जगह पर खड़ी है। समंदर के इस हिस्से में ऐसा मंजर देखकर कैप्टन को शक हुआ और उन्होंने उसे दूर से ही कई सिग्नल्स भेजे, लेकिन जब आगे से कोई रिप्लाई नहीं आया तो कैप्टन ने उसके करीब जाने का फैसला किया। करीब पहुंचने पर मालूम पड़ा कि ये कोई और नहीं बल्कि कैप्टन के ही दोस्त की मैरी सेलेस्ट नामी शिप थी जिसको न्यूयॉर्क से निकले अब पूरा 1 महीना गुजर चुका था। मैरी सेलेस्ट जिब्राल्टर से 1800 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन में तन तनहा खड़ी हुई दिखाई दी। उसमें किसी किस्म की कोई हरकत नहीं थी। डिग्राटिया के कैप्टन ने अपने क्रू मेंबर्स को मैरी सेलेस्ट में भेजा जहां वो सब ये देखकर हैरान रह गए कि शिप पर कोई भी मौजूद नहीं है। 1 महीने पहले जो न्यूयॉर्क से 10 लोगों के साथ निकली थी वो सारे लोग आखिर समंदर के बीचों बीच कहाँ गायब हो गए, यही सवाल अब डिग्राटिया के कैप्टन को भी खाए जा रहा था। पहले तो उनको लगा कि शायद शिप पर कोई हादसा हुआ है, लेकिन जब उन्होंने मैरी सेलेस्ट का जायजा लिया तो पूरी शिप बिल्कुल सही सलामत मौजूद थी। कैप्टन और उनकी फैमिली का सारा सामान और क्रू मेंबर्स के कपड़े तक भी बिल्कुल अनटच्ड हालत में मौजूद थे।
ना सिर्फ इतना बल्कि जो गुड्स लेकर वो जनोआ तक जा रहे थे वो भी बिल्कुल सही सलामत पड़े थे। यहाँ तक के शिप पर क्रू के लिए खाने का जो स्टॉक पड़ा था वो भी अभी तक वैसे ही मौजूद पड़ा था। थोड़ा और जांच पड़ताल के बाद कैप्टन के रूम से एक लॉग बुक मिली। ये लॉग बुक पहले शिप कैप्टन्स अपने पास रखते थे जिसमें शिप की मेंटेनेंस और इश्यूज के बारे में लिखा जाता था। उस लॉग बुक में मैरी सेलेस्ट के कैप्टन ने आखिरी एंट्री 25 नवंबर की सुबह 8 बजे की थी, यानी जिस दिन ये शिप इस हालत में पाई गई थी उससे भी 10 दिन पहले। इसका मतलब था कि करीब 10 दिनों से ये शिप वीरान अटलांटिक ओशन में खड़ी थी। डेग्रेटिया के कैप्टन ये सारा माजरा देख तो रहे थे लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में उनकी नज़र लाइफ बोट वाले सेक्शन पर पड़ी तो वहाँ उनको लाइफ बोट नज़र नहीं आई। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि ज़रूर शिप पर कुछ हुआ था और सब लोग अपनी जान बचाकर लाइफ बोट में कहीं भागे हैं। कैप्टन के केबिन में नेविगेशन के इंस्ट्रूमेंट्स भी मिसिंग थे और उनके बेड के नीचे एक तलवार अपने कवर में बंद पड़ी हुई पाई गई, जो इस बात की निशानी है कि शिप पर किसी किस्म का हमला नहीं हुआ, वरना तलवार अपने कवर से बाहर होती या फिर वहां मौजूद ही नहीं होती। लॉग बुक के अलावा दूसरे तमाम डॉक्यूमेंट्स भी वहीं मौजूद थे। एक और चीज नोटिस की गई कि शिप का केबिन हर जगह से गीला था और कई जगहों पर 1.5-2 फुट पानी भी खड़ा था, लेकिन ये इतना नहीं था जो इस साइज की शिप को नुकसान पहुंचा सके। यहां आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल सेल्वेज लॉ के मुताबिक अगर कोई भी किसी शिप को रेस्क्यू करेगा तो उसको शिप की वैल्यू के हिसाब से रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसी लॉ का फायदा उठाते हुए डिग्रेटिया के कैप्टन मैरी सेलेस्ट को लेकर जिब्राल्टर तक लेकर गए, जहां अथॉरिटीज ने शिप को तब तक अपने पास रखा जब तक कोर्ट की हेयरिंग्स कंप्लीट नहीं हो गई। कोर्ट ने अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशंस की लेकिन कई हेयरिंग्स के बाद भी कोई सुराग ना मिल सका। कोर्ट हेयरिंग्स भी जब इस मामले को सुलझा ना सकी तो लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी। कुछ ने कहा कि आसमानी मखलूक मैरी सेलेस्ट के क्रू को ले उड़ी तो कई ने कहा कि समंदर की कोई बला ने इन पर हमला कर दिया होगा। इन सब मनगढ़ंत बातों में एक बात सच्ची थी कि मैरी सेलेस्ट जब से बनी थी उसके साथ तब से हादसात होते आ रहे हैं। एक बार ये दूसरी शिप से टकराई लेकिन मामूली टक्कर के बावजूद भी वो शिप डूब गई। फिर मैरी सेलेस्ट को जब रिपेयर के लिए पोर्ट पर लाया गया तो रिपेयर से पहले ही पोर्ट पर खुद ब खुद आग लग गई, और एक मरतबा तो सफर पे रवानगी से पहले ही इसके कैप्टन की अचानक तबीयत खराब हुई और वो चल बसा। इन सब बातों की वजह से ही अब ऐसा माना जाने लगा कि शायद मैरी सेलेस्ट पर जिनों और आत्माओं का राज है, जिसकी वजह से ये लेटेस्ट हादसा हुआ है, और तब से लेकर मैरी सेलेस्ट को गोस्ट शिप का टाइटल भी दिया जाने लगा। पर असल में उस दिन हुआ क्या था इसके बारे में कुछ थ्योरीज हैं जिन पर एक एक करके नजर डालते हैं। सबसे पहली थ्योरी गद्दारी के बारे में है। कई लोगों का मानना है कि डिग्रेटिया के कैप्टन ने ही मैरी सेलेस्ट के सारे क्रू मेंबर्स को मारकर सेल्वेज लॉ का रिवार्ड पाने के लिए ये सारा ड्रामा रचा है। पर सोचने की बात यह है कि अगर ऐसा होता तो शिप पर कहीं तो खून खराबे के निशानात मौजूद होते। अब या तो डिग्रेटिया ने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा और सारे निशानात मिटा डाले, या फिर ये थ्योरी ही गलत है। दूसरी थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस थ्योरी में कहा गया है कि शिप पर अल्कोहल के 1700 बैरल्स मौजूद थे, लेकिन जब ये शिप अथॉरिटीज के पास लाई गई तो इनमें से 9 बैरल्स खाली थे। हो सकता है कि अल्कोहल के कुछ बैरल्स में ब्लास्ट हुआ हो जिसकी वजह से क्रू मेंबर्स लाइफ बोट में बैठकर यहां से भाग गए हों, मगर जहां ये बैरल्स मौजूद थे वहां पर ब्लास्ट का या आग लगने का कोई निशान मौजूद नहीं था। तीसरी थ्योरी में ये बात सामने आई कि हो सकता है कि शिप समंदरी तूफान की लपेट में आ गई थी और इसमें पानी भरना शुरू हो गया था। यही चीज देखते हुए कैप्टन ने शिप को एवैक्यूएट करने का फैसला किया और फिर वो सारे छोटी लाइफ बोट में बैठकर भाग गए हों। इतनी छोटी लाइफ बोट समंदरी लहरों का मुकाबला ना कर पाई और सबकी जान ले गई हो। ये थ्योरी काफी हद तक दुरुस्त मालूम होती थी, मगर ये भी बस सिर्फ एक थ्योरी ही थी। थ्योरीज तो बहुत हैं, मगर कोई एक थ्योरी भी सबूतों के साथ प्रूव नहीं हो सकी। 150 साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी इस मिस्ट्री को आज तक सुलझाया नहीं जा सका।
मैरी सेलेस्ट के साथ क्या हुआ था, किन हालात में कैप्टन ने शिप को छोड़ा और फिर वो सब कहां चले गए, ये राज भी शायद कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के साथ ही चला गया। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।